आज हम आपको उत्तराखंड की खूबसूरती से इतर एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जो न सिर्फ पहाड़ पर रहने वाले लोगों की जिंदगी के असली पहलू को दिखाती है बल्कि साफ कर देगी कि पहाड़ पर जिंदगी पहाड़ सी है। चार तस्वीरों के जरिए पहाड़ पर रहने वाले लोगों की जिंदगी की रोजमर्रा की ऐसी मुश्किलें हम आपको दिखा रहे हैं जिनके बारे में मैदानी इलाकों में रहने वाला आम शख्स सोच भी नहीं सकता है। तो पहली तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से पहाड़ पर जिंदगी लोग बसर कर रहे हैं और पहाड़ पर रहना जिंदगी पहाड़ से बिल्कुल हो रही है। तो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं बुजुर्ग महिला को इलाज की जरूरत पड़ी तो कैसे उसको अस्पताल यहां पर ले जाया जा रहा है। अस्पताल तक ले जाने के लिए कुर्सी को जुगाड़ की गाड़ी बनाकर महिला को ढोकर ले जाया जा रहा है, मजबूरी है क्योंकि इलाज भी जरूरी है। तो ये तस्वीर पहली कि किस तरीके से पहाड़ों पर अगर तबीयत खराब हो जाए तो कैसी मुश्किलों का सामना कर एक मरीज को ले जाया जा रहा है। तो ये तस्वीर देखिएगा और कैसी दिक्कतें लोगों को आती हैं अगर अचानक से कोई बीमार हो जाए या फिर किसी को डॉक्टर के पास ले जाना है तो किस तरीके से लोगों को कुछ ऐसे मुश्किलों के साथ उस शख्स को ले जाना पड़ता है। और जिस नदी को ये लोग पार कर रहे हैं इससे आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि कभी भी कुछ स्थितियां जो हैं वो बिगड़ सकती हैं और जो और लोग हैं उनके लिए भी मुसीबत कहीं ना कहीं खड़ी हो सकती है, उनकी जान पर भी बन सकती है। लेकिन मजबूरी है, इलाज कराना है, तो कुछ इस तरीके से सहारा यहां पर लिया जा रहा है। कुर्सी को जुगाड़ का जरिया फिलहाल यहां पर बनाया गया जिस पर महिला को बैठाकर यहां पर ये लोग ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुछ इसी तरीके की जिंदगी पहाड़ पर है और आज कल की अगर बात करी जाए क्योंकि लगातार बरसात हो रही है तो जिंदगी और मुश्किलों में लोगों की फिलहाल यहां पर कटती हुई नजर आ रही है। और अब दूसरी तस्वीर पर गौर कीजिएगा, पहाड़ों पर रहने वाले लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की मुश्किलों को ये तस्वीर दिखाती है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोगों को ना सिर्फ रोजाना मुश्किलों का सामना करना पड़ता है बल्कि रुपन नदी को पार करने के लिए लोगों को सिर्फ एक रस्सी का सहारा है। जरा सी चूक हुई और जान से हाथ धो बैठेंगे। तो ये तस्वीर आप खुद देख सकते हैं और रोजमर्रा के कामों के लिए कुछ इसी तरीके से इन लोगों को जाना होता है। नीचे तेज बहाव में पानी बह रहा है और एक रस्सी के सहारे यहाँ पर ये जो लोग हैं वो इस नदी को क्रॉस कर रहे हैं। ऐसे में इस बात का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं कि अगर थोड़ी सी भी चूक यहाँ पर हुई या फिर ये रस्सी टूटी तो कितना बड़ा हादसा जो है इन लोगों के साथ हो सकता है। तो अपने रोजमर्रा के कामों के लिए कुछ ऐसे ही ये लोग फिलहाल जा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर इस वक्त आप देख रहे हैं। तो कहीं लोगों को कंधे पर ले जाया जा रहा है मुश्किलों के साथ, तो कहीं कुछ इस तरीके के तस्वीरें हैं कि रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए लोग जान हथेली पर लेकर चल रहे हैं और एक रस्सी के सहारे इस नदी को पार कर रहे हैं जो पूरी तरीके से उफनती हुई नजर आ रही है। यानी कि जरा सी चूक अगर ये रस्सी टूटती है और शख्स नीचे गिरता है तो पानी के तेज बहाव के साथ बहता हुआ वो शख्स कहाँ जाएगा इसका पता भी नहीं चलेगा। तो दुर्गम रास्तों को पार करने की एक और जद्दोजहद अब आपको हम दिखा रहे हैं। तीसरी तस्वीर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं और ये इतनी खतरनाक है कि मैदानी इलाकों में रहने वाला कोई आम शख्स इन रास्तों पर चलने की सोच भी नहीं सकता। लेकिन यहाँ के लोगों की हिम्मत कहें या मजबूरी, यहाँ रहने वाला हर इंसान अपनी जिंदगी हथेली पर लेकर रोजाना मौत का सामना करता है। देखिए कैसे एक एक करके लोग इस खतरनाक रास्ते को पार कर रहे हैं। तो इस तस्वीर से आप खुद अंदाजा लगाइएगा कि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं जिनको रोज कुछ इस तरीके से अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर इस रास्ते को पार करना पड़ रहा है उनके लिए कितना डर है। हम स्थानीय इलाकों की अगर बात कर ली जाए जहाँ स्थानीय इलाकों में लोग रहते हैं जो पहाड़ों पर वास नहीं करते, अगर आम शख्स से यहाँ पर इसे पार करने के लिए कहा जाए तो शायद ही वो अपनी जिंदगी जोखिम में डाले क्योंकि ये लोग यहाँ पर रहते हैं और रोज आना जाना होता है। इसीलिए यहाँ पर पता है कि जिंदगी के साथ कभी भी कुछ हो सकता है लेकिन रोजमर्रा के कामों के लिए कुछ इस तरीके से लोग यहां पर इस रास्ते को क्रॉस कर रहे हैं। और अब दूसरी तस्वीर एक और हम आपको दिखाते हैं जहां पर कुदरत की आपदा में शख्स की मौत हो गई है। शख्स नदी में डूबा था लेकिन मुश्किल यहीं खत्म नहीं होती, यहां से शुरू हुई मरने वालों की डेड बॉडी को निकालने की जद्दोजहद। देखिए कैसे लोग
कड़ी मशक्कत से शव निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो पानी का वेग काफी तेज है और ऐसे में डेड बॉडी को निकालना यहाँ पर से लोगों के लिए काफी मुसीबत बना हुआ है और यही मुश्किलें पहाड़वासी आजकल झेलते हुए नजर आ रहे हैं। कुदरत की खूबसूरती यहाँ पर जरूर है लेकिन खौफ भी है वो कुछ इस तरीके का कि लोग आजकल जान हथेली पर लेकर यहाँ पर फिलहाल चल रहे हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर शव निकालने की जद्दोजहद हो रही है। रास्ता क्रॉस करते कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जब लोग पानी में बह जाते हैं और लेकिन क्योंकि लोगों को रहना है, रोजमर्रा के काम भी निपटाने हैं, तो कुछ ऐसे किस्से जो हैं वो लगातार सामने निकल के आते हैं जहाँ पर लोगों की जान चली जाती है। और यहाँ भी कुछ इसी तरीके की जद्दोजहद की जा रही है, शव निकालने की कोशिश यहाँ पर हो रही है लेकिन ये शव निकालना यहाँ पर लोगों को काफी दुभर हो चला है। पानी का बहाव जो है वो काफी तेज है और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी जुड़ चुके हैं। हरीश रावत जी बहुत स्वागत है आपका। सर अभी जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं टेलीविजन पर पहाड़ों की खूबसूरती की अगर बात की जाए तो उसका कोई सानी नहीं है लेकिन आजकल जो विपदा आई हुई है पहाड़ों पर उसको देखकर आप क्या कहेंगे? पहाड़ पर लोग बात जरूर कर रहे हैं लेकिन जिंदगियां कुछ इस तरीके से लोगों की बसर हो रही है कि जान हथेली पर लेकर लोग काम कर रहे हैं, नदी नाले जो है पार करने पड़ रहे हैं लोगों। और कई किस्से ऐसे भी आते हैं जब तेज पानी के वेग के साथ नदी पार करते करते लोग बह जाते हैं। पहाड़ों में जिंदगी हमेशा कठिन नहीं है मगर उसके लिए सरकारों ने हमेशा कुछ आवश्यक संसाधन जुटाए हैं ताकि लोगों तक सड़क पहुंच सके, बिजली पहुंच सके, पानी पहुंच सके और अस्पताल पहुंच सके, रास्ते बन सके। मगर कुछ एरिया जैसे हैं आज के दिन भी जहां जरा सा प्राकृतिक आपदा आने की स्थिति में सारा कम्युनिकेशन ध्वस्त हो जाता है। इसलिए हमने स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स को बड़ा मजबूत किया था। इधर दो एक साल से मैं देख रहा हूँ कि आपदा प्रबंधन में कुछ ढिलाई आई है जिसके कारण जिन एरियाज में आपदा आ रही है उन एरियाज को बहुत मुसीबतें आ जा रही। यानी कि ये कहा जाए कि आपकी सरकार में ऐसी स्थितियां नहीं थी जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपदा प्रबंधन अब थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है। हमारी सरकार किसी समय में भी दैवीय आपदा आई और लगभग 70% हिस्सा ही उत्तराखंड का आपदाग्रस्त हो गया था, तो भयंकर आपदा आई थी लेकिन उससे हमने लेसन लेते हुए बहुत सारे सुधार किए थे और उन सुधारों में से एक जो है SDRF NDRF के तर्ज पर गठित करना, उसको आगे बढ़ाना भी था और उससे हमको बहुत सारी जो है रेस्क्यू रिलीफ और रिहैबिलिटेशन में मदद मिली थी लेकिन वो चीजें जो है पिछले दो एक साल से कुछ फोकस हट गया है आपदा प्रबंधन से और इसलिए उत्तरकाशी में जब ये अभी आपदा आई तो बहुत दिक्कतें उठानी पड़ी हैं लोगों को। वही स्थिति हर के दून और इस इलाके के अंदर से ही कुछ खबरें मुझको मिली हैं, मुंशियारी से धारचूला के कुछ एरिया से खबरें मिली हैं जो चिंता का कारण। बिल्कुल हरीश रावत जी अभी क्योंकि जैसा कि आप कह रहे हैं हालांकि सरकार के अलग दावे हैं, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है काम लगातार हो रहा है लेकिन ढिलाई की बात आप कह रहे हैं कि थोड़ी ढिलाई बढ़ती गई है, क्या कदम उठाए जाने चाहिए क्योंकि पहाड़ की स्थिति कुछ ऐसी है कि कोशिशें तमाम की जाती हैं लेकिन जिस तरीके की भौगोलिक स्थिति है पहाड़ की जब विपदा आती है तो वो बहुत क्रिटिकल हो जाती है सिचुएशंस जो है। हमें ये मानना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन अब एक महत्वपूर्ण फैक्टर हो गया है और हर सरकार के लिए जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को ध्यान में रख करके दोनों तरह के उपाय, एक तो उपचारात्मक उपाय और दूसरे जो है जो सहायता आदि के हैं उन उपाय पर फोकस रखना चाहिए और हम निरंतर आपदा के हिसाब से जब बरसात का समय और झाड़ू का समय आता था उस हिसाब से अपने मशीनरी को गियर अप करते थे और सब तैयारियां दुरुस्त रखते थे। इधर मैं दो साल से देख रहा हूँ कि कुछ ढीलापन आ गया है और जिसके कारण जगह जगह से बहुत शिकायतें आ रही हैं।
बिल्कुल हनीश रावत जी, ये कहा जाए कि जो गवर्नमेंट है, क्योंकि बार बार आप इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि दो सालों से तकरीबन कुछ ढिलाई यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये कहा जाए कि ये जो ढिलाई है वो बीजेपी सरकार की तरफ से अब देखने को मिल रही है, इसलिए स्थितियां जो है वो थोड़ी सी और बिगड़ी हुई नजर आ रही है पहाड़वासियों के लिए। इसको मैं पार्टी के साथ नहीं जोड़ता, क्योंकि हमने 2013 में वो जो है टेलीविजन झेली, तो इसलिए हम सजग रहे। हाँ, हम सजग रहे तो उसके बाद स्थिति सामान्य हो गई और चीजें सुधर गई, तो उसका असर भी पड़ सकता है। कभी कभी आदमी की मानवीय प्रवृत्ति होती है और सरकारें भी तो आखिर मनुष्यों को लेकर की बनती है। हाँ। तो ये एक प्रवृत्ति भी हो सकती है कि शिथिल हो जाने की, लेकिन मेरा अपना कहना यह है कि हमको हमेशा हमको ये मान के चलना चाहिए कि बरसात में हमारे सामने चुनौती आएगी आएगी, गर्मियों में आ सकती है, तो उनको निपटने के लिए हमको 24 घंटे मुस्तैद रहने की आवश्यकता है। इसीलिए SDRF, एडमिनिस्ट्रेशन और विलेज सुरक्षा दल आदि सब वॉलंटियर फोर्सेज को बिल्कुल रेडी रखना पड़ता है। बिल्कुल साहब, बने रहिए हमारे साथ। तो सुरेश जोशी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता, बहुत स्वागत है सर आपका भी। जी, सुरेश जोशी जी, जो स्थितियां हम देख रहे हैं, जो तस्वीरें फिलहाल हम टेलीविजन स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें डराती हैं कि किस तरीके की स्थितियां पहाड़ों में अभी बनी हुई हैं, क्योंकि जो आपदा फिलहाल देखने को मिल रही है, जैसी स्थितियां हैं, लोग मुश्किलों में हैं और नदी नाले कुछ इस तरीके से पार कर रहे हैं, कभी भी कोई इंसान बह सकता है, हालांकि रोजमर्रा की जरूरतें हैं उनकी तो इस तरीके से पार कर रहे हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि हरीश रावत साहब कह रहे हैं कि पिछले दो सालों से कुछ आपदा प्रबंधन जो है वीक हो गया था, शायद सिस्टम थोड़ा ढीला पड़ गया था। देखिए, ऐसा है कि सरकार ने जितने भी प्रबंध करने चाहिए थे वो सारे प्रबंध किए हुए हैं जी, और जहां पर भी इस तरह की आपदाएं आ रही हैं, चाहे NDRF की टीम हो, SDRF की टीम हो, या वहां पर संसाधन हो, उनको अगर कहीं पर पोकलैन खड़े करने हैं, इस तरह की व्यवस्थाएं करनी है, पुराने के लिए हेली सर्विसेज हमको देनी है, जो भी गाड़ी को फंड से पहले से मुहैया कराए गए हैं, और स्वयं मुख्यमंत्री जी इस बात की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, और जो सीनियर मिनिस्टर है उनको भी वहां पर लगाया गया है। बिल्कुल, लेकिन सर जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, इस बात से इनकार नहीं है कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिशें कर रही है, इनिशिएटिव ले रही है, क्योंकि परिस्थितियों को हम भी समझते हैं किस तरीके की परिस्थितियां पहाड़ों पर हैं, लेकिन जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, क्योंकि जो पुल्स बने हुए हैं वो नॉर्मल पुल्स लोगों ने डाले हुए हैं रास्ते क्रॉस करने के लिए, ऐसे में इन लोगों को राहत कैसे मिल पाएगी, क्योंकि कई बार कई जगह से ऐसी शिकायतें भी निकल के आई हैं कि जहां पर पुल्स बनने चाहिए थे नदियां क्रॉस करने के लिए वहां पर पुल नहीं है, और अब जब बरसात हुई है तो पानी इतना ज्यादा बड़ा है, लोग तो वो रास्ता क्रॉस करेंगे, तो लोग जान जोखिम में डालकर उन रास्तों को क्रॉस कर रहे हैं, यानी कि पहले से कोशिशें होती तो ज्यादा बेहतर होती। सर देखिए शिल्पा जी, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि जो आप पुल की बात कही है, रास्तों की बात कही है, देखिए सरकार के द्वारा जहां पर को झूला पुल बनना चाहिए या जहां पर को पैदल पुल बनना चाहिए, जहां पर को मोटर मार्ग का पुल बनना चाहिए, इसके पुल भी बने हैं, इस पुल की भी व्यवस्था है, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत क्या है कि हम लोग जब पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं तो डिस्टेंसेस थोड़ा ज्यादा रहती हैं, जैसे अगर मैंने किसी गांव को क्रॉस करने के लिए वहां पुल की व्यवस्था कर रखी है, वो 500-700 मीटर अगर लंबा है तो लोग ये कोशिश करते हैं कि भाई उसमें बीच में अगर कोई शॉर्ट रास्ता मिल जाए, कहीं कहीं पर तो ऐसी भी स्थितियां आती हैं कि लोग नदी में जो है कि वो तार डाल करके नदी को क्रॉस करने के पे भी प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं है कि देखो पुलों की व्यवस्था नहीं है, लेकिन डिस्टेंसेस जो दूरियां थोड़ा ज्यादा हैं जिसके कारण ये लगता है कि भाई वहां से लोग जाने में उनको दूरी लगती है, तो नजदीक इस तरह की बल्लियों का लकड़ियों का सहारा लेकर के कोशिश करते हैं। और दूसरा क्या है कि कभी कभी क्या है कि एक दो जगह ऐसी स्थिति आई थी कि जब आपदा आई थी तो 2-3 दिन का जो समय लगा वहां की रोड को या वहां के पुलों को ठीक करने में, तो उस समय लोगों ने एक टेम्परेरी व्यवस्था, कहीं पर मैं देख रहा था कि बिजली के पोल डाल दिए, उससे जो है कि पार हो रहे थे, इस तरह की दिक्कतें भी थी। लेकिन आज के दिन जब आप और मैं बात कर रहे हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि जिन भी क्षेत्रों में आपदा आई थी वहां पर सरकार ने युद्ध स्तर पर काम करके, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं उसकी मॉनिटरिंग करके उन सारी जो दिक्कतें थी उनको जो है कि दूर करने का प्रयास किया, और बहुत हद तक हम लोग सफल भी हो गए। तो सर ये कहा जाए, क्योंकि
रावत साहब से हम बार बार बात कर रहे हैं, तो रावत साहब ये कह रहे हैं कि आपदा प्रबंधन जो है थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है पिछले कुछ सालों में, तो आपदा प्रबंधन आप लोगों की तरफ से आपकी टीम पूरी मुस्तैद ये कहा जाए? वीक नहीं कहा, शिथिल नजर आ रहा है। ठीक, शिथिल नजर आ रहा है। देखिए पहली बात तो मैं ये बताऊं कि जब सबसे बड़ी अभी हम लोगों की जो मोरी और आरा कोतवाली जो घटना उधर हुई थी उत्तरकाशी में, उस घटना में देखो जब वो घटना हुई थी, घटना की सूचना मिलते ही जो है वहाँ स्वयं जो है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर भारतीय जनता पार्टी की टीम वहाँ पे चलेगी, मुख्यमंत्री जी, उनके मंत्रीगण, वहाँ के स्थानीय विधायक सारे, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 24 घंटे के अंदर सब लोग उन क्षेत्रों में मौजूद थे जहाँ पर कोई इस तरह की आपदा और घटनाएं आई थी, और स्वयं जो है कि जिलाधिकारी हो या वहाँ के आपदा प्रबंधन का जो तंत्र हो, इन सबको जो है कि बहुत सख्त से सख्त बहुत कड़े निर्देश दिए गए हैं कि भाई वो 24 आवर्स जो है कि जहां पर भी इस तरह की दिक्कतें आ रही है, लोगों को कोई भी किसी तरह की परेशानियां ना हो, उसका समाधान जल्दी से जल्दी कैसे हो सकता है, चाहे वहां पर को दवा सप्लाई की बात आती है, राशन सप्लाई की बात आती है, कैरोसिन सप्लाई की बात आती है, हेली सर्विस से लोगों को इलाज के लिए इधर लाना पड़ता है, तो ये सारी व्यवस्थाएं सरकार कर रही है। आपने देखा होगा कि बीच में 2 हेलीकॉप्टर तो हो गए थे, एक में तो इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, 3 लोगों की उसमें जान भी चली गई, तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि सरकार ने जो है कि कहीं ऐसी कोई शिथिलता नहीं है, सरकार अपने स्तर से अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निर्वहन कर रही है। बिल्कुल रावत साहब, आप भी सुन रहे हैं सुरेश जोशी जी को, यहाँ पर शिथिलता कहीं नहीं है, जिस शिथिलता की बात निकल के आ रही है ये कहा जा रहा है, आपने सुना कि पूरी तरीके से मुस्तैद है, खुद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी दौरा कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर भी पहुंचे, सब पहुंचे, मैं खुद गया था वहां, पर मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि नहीं पहुंचे या इनको तकलीफ नहीं है या ये लेस कंसर्न है। अब मैं एक छोटी बात कहना चाहता हूँ, हम जब वहाँ हेली रेस्क्यू के लिए काम कर रहे थे तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी कि वहां पर ट्रॉलीज के तार लगे। अब हमारी दो हेलीकॉप्टर ट्रॉली सेव इत्यादि को गांव से नीचे उतारने के लिए जो ट्रॉली वे बने हुए थे, तार लगे हुए थे, उनसे उलझ करके दुर्घटनाग्रस्त हो गए। तो इसका मतलब है कहीं कहीं पर जो एक समझ होती है इस तरीके की स्थितियों की, उसका अभाव रहा है। यदि हम पहले से वार्न करके रखते कि नहीं वहां केवल बिजली के तार नहीं है बल्कि वहां पर ट्रॉली के लिए भी तार बने हुए हैं और इस आई तक वो गांव है, तो उस तरीके की जो हेलीकॉप्टर हमारे दुर्घटनाग्रस्त नहीं होते उससे हमारे रेस्क्यू वर्क को सेटबैक नहीं पहुंचता। दूसरी बात यह है कि अब मैं ये समय वॉच कर रहा हूँ, जहाँ सड़कें 3-4 दिन में खुल जानी चाहिए थी नहीं खुल पा रही है, क्योंकि आपने छोटे, मैंने इनसे कहा था रोबोटिक जो हमारे बुलडोजर्स हैं उनको वहाँ उतारिए आगे के सिटी एरिया के अंदर और वो वहाँ काम करें और इस समय फलों की निकासी के लायक रास्ते बना दिए जाए। तो आप ये चीजें, मैं अब इन सब चीजों के डिटेल में नहीं, क्योंकि फिर ऐसा लगेगा कि मैं सारी आपदा के लिए सरकार को दोषी दे रहा हूँ, तो जोशी जी को बहुत डिफेंसिव होना पड़ेगा। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि आपदा बरसात में आनी है, जाड़ू में जो है बर्फ के एवलांचेज आने हैं, हम सबको मालूम है, हम उन स्थितियों को समझते हैं, जंगलों में आग लगनी है, तो उसके लिए हमारी पहले से जो प्रिपेयरनेस होनी चाहिए थी वो उसका कहीं पर अभाव है, और जो 24 आवर अलर्टनेस होनी चाहिए ऐसी चीजों में थोड़ा हम इधर शिथिल हो गए। मैं इनको क्या कह सकता हूँ, हमारे समय में तो सबसे बड़ी जो आपदा आई जिसकी कोई दूसरी शानी नहीं है जी। तो इसलिए मैं आपदा के लिए भाजपा को दोष दूं ये उचित नहीं है, मगर आज जो स्थिति है वो स्थिति बिल्कुल साफ है कि जिस तेजी के साथ हम पहले आपदा से जूझने की तैयारियां कर रहे थे, इधर हम कुछ शिथिल हो गए। यानी कि रावत साहब, ये अगर कहा जाए कि व्यवस्थाएं पहले से दुरुस्त हो तो ऐसी तस्वीर ना हो, ये कहना चाह रहे हैं आप? हम यदि बिल्कुल अलर्ट रहेंगे वो रहेंगे तो हम तकलीफों को लोगों की जो है थोड़ा मिनिमाइज कर सकते हैं और स्थितियों को ज्यादा तेजी के साथ सुधार सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरीश जी आपका भी, सुरेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। जी, जी,
मदन कौशिक साहब, क्योंकि व्यवस्थाएं और तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, जिक्र भी इसका कर रहे हैं, पहाड़ों की स्थितियों की अगर बात कर ली जाए तो प्राकृतिक आपदा जो आई है लगातार बरसात में देखने को मिलती है स्थितियां, पूरी तरीके से सुधार कैसे देख पाएंगे? क्योंकि अभी भी सर जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं डरा रही है, व्यवस्थाएं जो है उसमें कमी है या किस चीजों में कमी है, दोष किसे दे ये कहना अलग बात है, लेकिन दुरुस्त कब तक होंगी व्यवस्थाएं ताकि पहाड़ों की लोगों की जो जिंदगियां हैं वो पटरी पर आ पाए? देखिए, जो आपका है ये तो आप भली बातें जानते हैं कि जो हमारा प्रदेश है जो विषम भौगोलिक परिस्थिति वाला राज्य है और बरसात के कारण कहीं ऐसी परिस्थिति बन जाती है, लेकिन सरकार का प्रयास हमेशा ये रहता है कि हमारी जो डिजास्टर की टीम है वो लगातार हर जनपद में 24x7 वो काम करती है और जैसे कहीं सूचना मिलती है उसके मैक्सिमम आधा घंटा भी नहीं लगता वो टीम वहाँ मौके पर पहुंच जाती है। और आपने ये देखा होगा कि इस तरह की जब कोई घटना घटी, घटना घटने के बाद मिनिमम नुकसान हो ये सरकार का रहता है कि हम कोशिश करते हैं नुकसान ना हो, और कई परिस्थितियों में हमारी टीम ऑलरेडी हम सोचते हैं कि हाँ हमारा सेंसिटिव पॉइंट है तो वहाँ कैंप भी करती है हमारी टीम और लगातार, लेकिन राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थिति है और इसको देखते हुए कई बार घटना घट जाती है, कई बार बादल फटने के कारण हो जाता है, तो वो सारी प्राकृतिक रूप से जो आपदा आती है उसमें जो नुकसान होता है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दुख देने वाला है और सरकार गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ इसको बिल्कुल। कौशिक साहब, रावत साहब से हम बात कर रहे थे, हरीश रावत साहब से, वो कह रहे थे कि कहीं ना कहीं शिथिल पड़ी आपदा प्रबंधन की टीम, व्यवस्थाएं शिथिल पड़ी, दोष वो भी ये नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी का दोष है क्योंकि प्राकृतिक आपदा ये है और लेस कंसर्न भी वो आप लोगों को नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये बात उनकी तरफ से कही गई कि कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं पहले से कर लेनी चाहिए ताकि ऐसी स्थितियां ना आए, क्योंकि बरसात में अक्सर ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं, पहले से अलर्टनेस हो तो शायद मुश्किलें कम हो थोड़ी। मैं तो हरीश रावत जी को धन्यवाद जरूर देना चाहूंगा कि कम से कम कांग्रेस में जिस तरह की चिंता प्रैक्टिकल सुधार आ रहे हैं, अब वो जो धरातल पे है उस बारे में चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने उसको काफी जाने के बाद स्वयं कहा कि जो सरकार का इंतजाम है वो ठीक है, उसको उन्होंने सराहा है और आज भी उन्होंने कहा है कि ठीक है, लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि हमें अगर पहले से कोई सूचना इस रूप में अलर्ट करने की होती है तो हम अलर्ट करते हैं, सारे डीएम को हम निर्देशित रहते हैं कि आप तत्काल वहाँ व्यवस्था में इस रूप में रहिए, डिजास्टर की टीम तैयार रहती है, जो मुख्यालय पे हमारा मुख्यालय पे डिजास्टर का पूरा हमारा ऑफिस है वो हर समय तैयार रहता है, तो हम लोग संवेदनशीलता और पूरी तैयारी के साथ रहते हैं, लेकिन कभी कभी प्राकृतिक आपदा से जूझना लड़ना ये इस राज्य की नीति में है और हम इसको बखूबी अपना एक कर्तव्य के रूप में आगे बढ़ा सके काम कर रहे हैं। चलिए बिल्कुल सर, उम्मीद हमारी भी यही है कि जल्द से जल्द लोगों की जो मुश्किलें हैं वो कम होनी चाहिए यहाँ पर। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।